और भाई यहाँ पर जो कमरे का रेट चल रहा ना वो है 4 बेड का। भाई राम से महादेव सबके लिए बैठे होंगे, महादेव सबको मिलेंगे। इतना तो शुक्र है कि ना तो बारिश हो रही है ना स्नोफॉल, बस दिन में ही हो लिया जो होगा। मस्ती रहती है भाई, ये भी अपनी मस्ती मगन रहते, लेकिन अब कुछ छेड़ देना भाई। ले भाई पकड़िए, बना दे यार मेरे वीडियो यार। पकड़। क्या दिखाने से मिला आपको टोकनी? तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ। जय बोले जय शंकर। तो भी अभी हम आ चुके हैं मंदिर के सामने, और भाई जैसे ही हम आते हैं ना, आज तो हम जल्दी आ गए लेकिन फिर भी स्नोफॉल होने लगा। और आज है जैसे ओले होते हैं बिल्कुल छोटे वाले बारीक, और ये यहाँ की जो मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है ना भाई, ये काम बढ़िया कर दिया। अभी देखो जहाँ तक लाइन है ना, ये इनके ऊपर शेड लगा दिया जो पीकल काम करते हैं, और जो रुकने वाले हैं उनका भी यहाँ पे लगा दिया कि भाई जिनको रुकना है तो अपना इनके नीचे रुक जाओ, और पूरा यहाँ तक तो लगा दिया। नहीं तो पिछले साल में पूरा ये जो सीढ़ियाँ थी ना इसमें लगा रखा था ये वाला, लेकिन इतना भी लगा दिया, चलो इतना ही बहुत बढ़िया है। और भाई यहाँ पे ढेर लग रहे हैं जूतों के, यहाँ पे दस्ताने मोजे। तो भाई मंदिर के सामने जो लाइन लगी हुई ना, यहाँ पर टोकन सिस्टम आपका चेक हो रहा है, और वो टोकन कहाँ से मिलता है अगर लोगों से पूछते हैं कि भाई वो टोकन कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, और यहाँ पे तो चेक होगा तब जाके आपको आगे जाने दिया, बाकी ना भी होना तो भी जाने देंगे यार, इतना दूर आया तो यात्रा तो करने देंगे। भाई ये जो लाइन लगी हुई ना, ये सबके पास में टोकन है, और टोकन देखो यहाँ पर चेक हो रहा है। ये भाई बैठे हो ना मशीन लेके, ये देखो यहाँ पर ये जो भाई जी है ये सबसे टोकन कलेक्ट कर रहे हैं, फिर ये यहाँ पे देते हैं, ये फिर मशीन में इसको एक्सरे होता है, और ये टोकन कैसे मिलता है वो भी बताएंगे भाई। पहले देखो टोकन सबसे कलेक्ट कर रहे हैं। भाई अभी ना इतना खतरनाक तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, देखो जैसे होटल वगैरह बढ़िया तरीके से एकदम लोहे से जो होते हैं लोहे के पिल्लर वो डाल के बना रहे एकदम आलीशान। और ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना केदारनाथ का भाई, ये यात्रियों के लिए बैठने के लिए बना रहा है, मतलब किसी को रात को सोना है। देखो ये कितना मस्त तरीके से कितना खतरनाक बना रहे। अभी जो देखो टाइल कैसे चमक रही है, और अंदर पूरा लकड़ी वाला कजारिया की जो टाइल है ना वो देख रही, कजारिया केदारनाथ पहुँच गया भाई। और ये देखो पूरा मेन रोड, ये भी देखो यार कितने मस्त तरीके से ये प्रोजेक्ट बनता जा रहा है ना। उधर में देखो कितने बड़े बड़े होटल बनते जा रहे हैं, ये भी है इधर बनेगा, ये शायद मेन रास्ता भी ये बनेगा, क्योंकि इधर में ये बना रहे हैं तो मेन रास्ता शायद यही बनेगा आगे से। भाई अभी आए हम भंडारा खाने के लिए अलवर वालों का, वहाँ आश्रम में नहीं खा गए, वहाँ भी चालू था, लेकिन हमने सोचा कि यार आज यहाँ पे खाते ताकि यहाँ का भी अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और ये सुबह और शाम तक दोपहर में नहीं चलता, दोपहर के टाइम में बंद रहता है, बाकी ये कि दो टाइम मिल जाए वो बहुत है। देखो भाई पूरी है, हलवा है, दाल है, चावल भी थे, और मतलब हम दो बंदे एक ही थाली में खा रहे हैं भाई, ताकि धुलने में आसानी हो जाए, क्योंकि धुलते जब करंट सा लगता है भाई, जब पानी को ऐसे हाथ में कपते हैं ना वो ठंडा पानी है बहुत भयंकर वाला। अभी देख कितनी भाप उठ रही है ये ज़मीन में से, देखो भाई और ये भाप उठती जा रही है। तो भाई मेरे पीछे है टोकन बूथ, और यहाँ से आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा, वो आपको तब मिलेगा जब आपने अपनी यात्रा का पंजीकरण करा रखा होगा। ये देखो जैसे भाई साहब को टोकन मिल चुका ना, इनके पास पंजीकरण था तो इन्होंने मिल गया भाई जी ये टोकन, चलो ये आगे चेक होगा अब। और ये देखो यहाँ पे मिल रहा भाई, क्योंकि जो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हो ना ऐसे नहीं आने देने, ये आ रहे जो मतलब जो जिनके पास पालकी वगैरह यहाँ के लोकल लोग है, अभी नहीं तो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हो ना इनको इधर मोड़ देते ताकि अपना टोकन ये ले सके। यार मैं तो बाहर ही जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाहर चला जाऊँ, ये बोले कि तुम्हारा कहाँ है, कि हम तो डोली के साथ में आए थे, दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए हम अंदर रह के वीडियो बनाएगा, दिखाते हैं पुलिस वाले कैसे उधर भेजते। देखो अभी जितने लाइन आ रखे ना, देखो भेज रहे हो जो सर भेज रहे ना, देखो ये देखो सही भी है भाई, आप ही के लिए है ना। कुछ भाई है जिन्होंने अभी टोकन लिया, भाई जी क्या दिखाने से मिला आपको टोकन? ये यात्रा पास दिखाने से मिला है। ये आपको मतलब कहीं और चेक हुआ है या यहीं पे हुआ है? नहीं यहीं पे चेक हुआ, वहाँ भी चेक हुआ था गौरीकुंड में। गौरीकुंड उससे पहले कहीं पे? उससे पहले कहीं चेक नहीं हुआ। बाय रोड आप आए हो कैसे हो? ट्रांसपोर्ट बाय रोड, वहाँ पे कोई चेक नहीं हुआ? चलिए टोकन मिला है, ये टोकन चलिए भाई जी। इस पे क्या टाइम लिखा है इस पे आपके तरफ से? नहीं वैसे यार कुछ नहीं है, आप कल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बस टोकन होना चाहिए। चलिए भाई थैंक यू। कहाँ से आए वैसे आप? लखनऊ। सभी जी चलिए, हर हर महादेव, यात्रा बढ़िया हो भाई जी आपकी सभी की।
इन भाइयों ने बताया ना कि जब आपके पास यात्रा का पंजीकरण है तो टोकन मिल जाएगा, बाकी अगर आपके पास पंजीकरण नहीं है तो आप यहाँ तक आ चुके तो भी आपको टोकन दे दिया जाएगा ताकि आप दर्शन कर सको। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऊपर तक आ जाओगे तो आपको खाली हाथ भेज देंगे, नहीं भाई, बाबा के दरबार में आए तो दर्शन होंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर आपको टोकन मिलेगा, बाकी आप पंजीकरण करा लोगे ना तो बढ़िया रह जाएगा भाई, ताकि इनके पास भी आपका एंट्री हो जाए, क्योंकि जब आप बिना पंजीकरण के आते हो तो इनके पास में आपका एंट्री नहीं होता कि आपने दर्शन किए या बाय चांस कुछ आपदा वगैरह आ गई तो इनके पास कोई कुछ भी आपकी एंट्री नहीं होगी, तो मतलब आपके घर वालों को भी दिक्कत हो जाएगी और गवर्नमेंट। तो अभी भाई आपको लेके चलते हैं हेलीपैड, क्योंकि देखते हैं थोड़ा जादू करते हुए जाते हुए। हम सिर्फ आश्रम वाले कमरे से ही देख रहे थे जादू को दूर से ही, और थोड़ा पास से ही आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देख लेते हैं। और कितना मस्त मौसम हो रखा भाई, धूप निकल गया एकदम, उससे पहले बारिश थी, स्नोफॉल हो रखी थी, और अब देखो कितना मस्त धूप आया भाई। भाई जब आश्रम में बैठे बैठे देखते थे ना हेलीकॉप्टर को, तुरंत आ रहे थे, अभी बहुत देर में आया लेकिन आ गया। देखो मेरे पीछे ले भाई, पकड़िए, बना दे यार मेरे वीडियो यार, पकड़। झुकते गए पंखा तो ऊपर होता है, हटती है आदमी, इसका पंखा टेढ़ा नहीं घूम रहा नीचे की तरफ, ओए इसका पंखा नीचे घूम रहा है साला पंखा इसका। वो रशियन था ना, वो तो कट जाएगा, जो हमारे साथ यात्रा में था रशियन डोली में, वो तो कट जाएगा साला, इतना लंबा था वो यात्रा, उतरने दे लोगों को, उतरने दे। लेकिन कुछ तो है, देखो पहाड़ के ऊपर मंडरा रहे हैं ना बहुत सारे, और ये चीज़ें दिखानी थी, देखो अब कोहरा आ गया एकदम, कितनी मस्त धूप निकली हुई है, लेकिन ये कोहरा देख कितना खतरनाक लग रहा है, जैसे अपने वहाँ पे धुंध आते हैं ना पीछे से, वो कहते ना कि कहते ना तुम्हें स्वर्ग से हवाएं आती है, आ रही है भाई, यही वो हवाएं हैं जो आती रहती है भाई। अपना बाबा बढ़ चुके हैं और इनकी दुनिया भी मस्ती रहती है भाई, ये भी अपनी मस्ती मगन रहते हैं, लेकिन अब कुछ छेड़ देना भाई पर खतरनाक सुनाते हैं ये। अभी देखिए जो मस्ती चल रही है बाबा, चल भाई ये तापते भी रहते हैं अपना, सही है, माताएं भी हैं, बाबे भी हैं, भाभी भी हैं, और बच्चे भी बने हुए हैं यार, देख यार ये बच्चा बैठा जो, हर हर महादेव। भाई अभी इतना तो शुक्र है कि ना तो बारिश हो रही है ना स्नोफॉल, बस दिन में ही हो लिया जो होगा, बाकी अभी जो कहते हैं ना अपने वहाँ पे सूखा पाड़ा या ठंड कहते हैं, बिल्कुल ठंड, जो आपके हाथ पैर को सुन कर दे, ना हवा चल ले ना कुछ चले, बस हाथ हाथ पैर को सुन कर दे, वही हो रखा है। तो भाई दरवाज़ा तो खोल दिया है, और अभी ये जो दरवाज़ा लगा हुआ ना ये वाला खुलेगा जब तक के भाई ये लोग अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे। देखो अभी आ गए ने हर हर महादेव भाई, अब जाके दर्शन करेंगे, और देखो कैसा मौसम होगा भाई, खतरनाक एकदम। ये देखो अब दर्शन जाने के लिए महादेव जाने लग गया, बहुत देर से ये भी खड़े होते भाई, और इतनी भयंकर ठंड हो रखी है एकदम, मैं कह रहा हूँ ना हिला देगी भाई ठंडी, और अब तो हवा भी चलने लग गया। देखो भाई राम से महादेव सबके लिए बैठे होंगे, महादेव सबको मिलेंगे। ओह ये देखो सर यही लग गया, कोई नहीं जी जाओ माजी, जाओ 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 जाओ
भाई ठंड इतनी ज्यादा रुकी ना आज तो आग का साथ सारा लेना ही पड़ गया। हाँ ठीक है उसको मैं ना राधा करो अब हो गया ठीक। अरे महादेव भाई इसी का सारा यार खतरनाक मतलब नजारा चल रहा है अभी तो इतना कि देख पूरी हर जगह मतलब फर्श ही गीला कर दिया। और भाई यहाँ पर जो कमरे का रेट चल रहा ना वो है 4 बेड का 6,000 रुपये है ना। ये भी दिलवा के आए इनके सब्सक्राइबर आ रखे थे भाई तो मतलब डिस्काउंट दे के भी 5,000 6,000 6,000 ही है भाई 5 बंदों का भाई फिर भी बढ़िया यार 1200-1200 रुपये बट आ जाएंगे और क्या चाहिए। नहीं तो यहाँ पे 1,000 रुपये में टेंट दे रहे वो भी पर पर्सन का जिसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं है ना वॉशरूम में ना पानी है। उनके 6:30 बज चुके हैं और देखो भैरव बाबा के ट्रैक पे लाइट भी चल चुकी है और खतरनाक लुक आ रखा भाई एकदम सफेद सफेद चुप में रहा ना दे रहे में ये हमारे दो कलवे तो भी अभी जा रहे हैं हम अपने आश्रम में रो कर रहा है फिर बोला ना जा रहा ना तो जाएंगे भाई फिर खाना वाना खाएंगे आज तो अभी शाम का तो ये खाएंगे दोपहर का हमने किया था अलवर वाले भंडारे में चल रहा भाई मजा रखो और जाके थोड़ा एडिटिंग सब करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लोग में राम राम।